हेलो गाइस, आई एम अनुकरा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीसी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4-5 डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड टेक मी टू मॉम, क्लास फर्स्ट डे थर्ड सब्जेक्ट जीके। मैंने कल आपको सेकंड और थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट करवाया था, आज मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर आपका कंप्लीट करवाऊंगी जीके में, जो कि आपको अपने नोटबुक में राइट करना है और इसको लर्न करना है। ये आपकी बुक है किंग, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगी, आपको मार्केट से लेके आनी है, क्योंकि ये बुक में भी जो आपके जो जीके क्वेश्चन जो करवाए जाते हैं वो बुक में भी आपको फ्लॉप करने हैं और अपनी नोटबुक में भी आपको राइट करने हैं। तो आप मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे और इनको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। सम एनिमल्स लिव विद अस एंड सम लिव इन फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, उनको हम बोलते हैं पालतू जानवर, और कुछ रहते हैं बाहर यानी जंगलों में। द एनिमल्स विच लिव विद अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। एंड विच लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर बाहर रहते हैं जंगलों में रहते हैं उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। तो इसमें आपको आपकी जैसे कि बुक है तो आपकी बुक में आपको फ्लॉप करना है, जैसे कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके आगे आपको राइट करना है डी, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके आगे आपको राइट करना है डब्ल्यू। तो ये आपकी जैसे पिक्चर बनी हुई है तो इन पिक्चरों को देखकर आपको एनिमल्स का एनिमल्स राइट करने के कौन से एनिमल्स हैं और कौन से नहीं है। जैसे कि फर्स्ट में है एलिफेंट, तो एलिफेंट कौन से एनिमल्स में आता है, वाइल्ड एनिमल्स में, तो हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे डब्ल्यू। सेकंड है आपका काऊ, तो काऊ कौन से एनिमल्स में आता है आपके डोमेस्टिक एनिमल्स में, तो इसमें हम क्या राइट कर देंगे डी। थर्ड जो है आपका लॉयन, तो ये किसमें आता है आपके वाइल्ड एनिमल्स में, तो इसमें हम क्या राइट कर देंगे W। ये आपका फोर जो है वो है आपका शिप, शिप कौन से एनिमल्स में आता है आपका डोमेस्टिक एनिमल्स में, शिप को पालते हैं क्योंकि उससे रुई मिलती है, तो इसलिए ये आ जाएगा डोमेस्टिक एनिमल्स में, तो इसमें हम राइट कर देंगे D। फाइव है आपका, इसमें क्या आएगा आपके W, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स में आता है। सिक्स आपके हैं हॉर्स, हॉर्स आपके किस में आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, यानी हॉर्स हॉर्स यानी घोड़े, घोड़ों को पाला जाता है इसलिए वो उसमें आते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स में, तो इसमें हम राइट कर देंगे डी। सेवन है आपका डॉग, डॉग भी आपके किस में कौन से एनिमल्स में आता है डोमेस्टिक एनिमल्स में, क्योंकि इनको भी पाला जाता है, तो इसमें हम राइट कर देंगे डी। एट है आपका भालू, भालू जो होता है बियर, उसको वो भी इसमें आता है वाइल्ड एनिमल्स में, वो जंगलों में पाया जाता है इसलिए हम इसमें क्या राइट कर देंगे डब्ल्यू। नाइन है आपका लोयन, तो लोयन लोयन कौन से एनिमल्स में आता है आपके वाइल्ड एनिमल्स में, तो इसमें हम क्या राइट कर देंगे डब्ल्यू। एक बार आप दोबारा देखेंगे मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे, सम एनिमल्स लिव विद अस एंड सम लिव इन फॉरेस्ट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और कुछ एनिमल्स जंगलों में यानी बाहर रहते हैं। द एनिमल्स विच लिव विद अस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर। एंड विच लिव इन फॉरेस्ट एंड कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर बाहर रहते हैं, जो जंगली जानवर बाहर रहते हैं उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। देखिए जैसे कि आपकी बुक है, बुक में आपके राइट हो रहा है डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं उनके आगे आपको राइट करना है डी। डब्ल्यू फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके आगे आपको राइट करना है डब्ल्यू, जैसे कि एलिफेंट वाइल्ड एनिमल्स होता है जिसके आगे हम राइट करेंगे डब्ल्यू। काऊ पालतू जानवर होता है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं तो इसके आगे हम राइट करेंगे डी। टाइगर, टाइगर वाइल्ड एनिमल्स होता है, ये जंगलों में पाया जाता है, इसमें हम राइट करेंगे डब्ल्यू। शिप, शिप डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं क्योंकि इनको हम पालते हैं, तो इसमें हम राइट करेंगे डी। हॉर्स, हॉर्स पालतू जानवर होता है, इसको भी हम पालते हैं, तो इसमें राइट करेंगे डी, ये आता है डोमेस्टिक एनिमल्स में। डॉग, डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल्स में आता है क्योंकि इसको भी हम पालते हैं, तो इसमें भी राइट करेंगे डी। बियर, बियर भालू, भालू जंगलों में पाया जाता है, जिसमें हम राइट करेंगे डब्ल्यू क्योंकि ये जंगली जानवरों में आता है। लोयन, लोयन भी जंगली जानवरों में आता है क्योंकि ये जंगलों में पाया जाता है, जिसमें हम राइट करेंगे डब्ल्यू।
तो ये आपका फोर्थ चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। अब आप फिफ्थ चैप्टर देखेंगे अपना और इसको अपने नोटों में राइट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। बेबी एनिमल्स आर लॉस्ट, दे ऑल आर सर्चिंग फॉर देयर मदर्स। जो बेबी एनिमल्स हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं, वो खो गए हैं, वो सब अपनी मॉम्स यानी अपनी मम्मियों को खोज रहे हैं। हेल्प देम टू सर्च देयर रिस्पेक्टिव मॉम्स। हमें इनमें सर्च करके उनकी मॉम्स को ढूंढने हैं, उन पर टिक लगाने हैं। जैसे कि हन हन के बेबीज को क्या बोलते हैं, लॉयंस के बेबीज को क्या बोलते हैं, काउ के बेबीज को क्या बोलते हैं, पिक के बेबीज को क्या बोलते हैं, तो वो आपको टिक लगाना है इसमें। जिसके जैसे कि हन के बेबीज को बोलते हैं चिक, तो हम इस पे लगा देंगे चिक। आप इसको आमने सामने भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि हन के बेबीज को क्या बोलते हैं आप सामने भी राइट कर सकते हैं, या फिर इस बॉक्स को ऐसे भी ऐसे क्रॉस करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि लॉयंस के बेबीज को क्या बोलते हैं कब, काउ के बेबीज को क्या बोलते हैं कल्फ, पिक के बेबीज को क्या बोलते हैं पिग लेट, डक के बेबीज को क्या बोलते हैं डक लिंग, बिच के बेबीज को क्या बोलते हैं पप्पी। तो ऐसे ही आपको ये बॉक्स अपना कंप्लीट करना है। आप इसको आमने सामने भी राइट कर सकते हैं या फिर ऐसे बॉक्स को ऐसे क्रॉस करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप एक बार दोबारा देखेंगे मेरे साथ, बेबी एनिमल्स आर लॉस्ट, दे ऑल आर सर्चिंग फॉर देयर मॉम्स। जो छोटे बेबीज हैं वो खो गए हैं, वो सब अपनी मॉम्स यानी अपनी मम्मियों को ढूंढ रहे हैं। हेल्प देम टू सर्च देयर रिस्पेक्टिव मॉम्स। हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए उनकी मॉम्स यानी मम्मियों को ढूंढने में। जैसे कि हन के बेबीज कौन होते हैं चिक, लॉयंस के कब, काउ के क्लॉफ, पिक के पिक लेट, डक के डकलिंग, बिच के पपी। तो यही आपके आज का होमवर्क है, जो कि आपको नोटों में राइट करना है और इसको लर्न करना है। लर्न एंड राइट इट इन जीके नोटबुक। तो ये आपको लर्न करना है और अपनी जीके की नोटबुक में इसको राइट करना है। तो आपकी आज फोर और फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट हो गए, कल हम आपको सिक्स चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर।